हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो में एक बॉक्स देख रहे होंगे। ये है साउंड क्राफ्ट के सिग्नेचर सीरीज के सिग्नेचर 12 मिक्सर का बॉक्स। ये मिक्सर 12 चैनल का मिक्सर है। इस सिग्नेचर सीरीज में दोस्तों आपको चार मॉडल मिलते हैं, सिग्नेचर 10, सिग्नेचर 12, सिग्नेचर 16, सिग्नेचर 22। सिग्नेचर 12 में आपको MTK मल्टी ट्रैक और नॉर्मल सिग्नेचर 12 मिलता है, और सिग्नेचर 22 में 22 नॉर्मल और 22 MTK मल्टी ट्रैक मिक्सर मिलते हैं। इस मिक्सर का आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है, तो हम आज उसी को टेस्ट करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे। तो आप मेरे साथ चैनल में बने रहिएगा, और जिन भाइयों ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं बॉक्स के साथ आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। जैसा आप दोस्तों देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी पैकिंग में साउंड क्राफ्ट अपने मिक्सर्स को भेजता है इंडिया में। देखिए, ये हमारा मिक्सर है। इसके अंदर आपको एक कैटलॉग मिलती है, एक एबल्टन लाइट सॉफ्टवेयर जो इसका रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है उसके बारे में एक ब्रोशर मिलता है, एक आपको पावर कॉर्ड मिलती है, दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं ये डिस्प्ले में मिक्सर को, कितना सुंदर है ये मिक्सर। दिखने में ही आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा है, दिखने से पता लग जाता है ये कितना अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का मिक्सर होगा, और प्राइस में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसका क्लोज लुक देखिए, यहाँ से आप देखेंगे इसका ये साइड लुक, देखने में कितना अच्छा लग रहा है मिक्सर ये। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊं, साउंड क्राफ्ट के सिग्नेचर सीरीज में एक बड़ी अच्छी खासियत है, इनके सिग्नेचर सीरीज के हर मॉडल में आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 फीचर्स आपको हर मॉडल में मिलते हैं, जैसे घोस्ट माइक प्रीएम्प, सफायर एसिमेट्रिक इक्विलाइजर, DBX ब्रॉडबैंड लिमिटर, लेक्सिकॉन FX प्रोसेसर, और GB की ऑडियो राउटिंग है इसमें आपको मिलती है। मैं आपको बताता चलता हूँ इसमें घोस्ट माइक प्रीएम्प क्या है। हम जो भी अपने माइक इनपुट इसमें डालेंगे तो हमारे मिक्सर में जो एक्सटर्नल नॉइज़ आती है वो ये घोस्ट माइक प्रीएम्प उसको ऑलरेडी कट कर देता है, और आपके माइक में वोकल में कोई एक्स्ट्रा नॉइस नहीं आता है। पांचवा है दोस्तों हमारा GB की ऑडियो राउटिंग, इसके अंदर जो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फ्लेक्सिबल आपको सिग्नल देता है ऑडियो के लिए। हम इसके एक चैनल के फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे इसका कुछ डेमो भी दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं जल्दी से, चैनल कितने मिलते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको इस मिक्सर में 8 बैलेंस XLR माइक इनपुट्स मिलते हैं, साथ में आपको नीचे ही सेम लाइन इनपुट्स में मिलते हैं अपने कोई एक्सटर्नल इफेक्ट, कीबोर्ड, ड्रम और म्यूजिक प्लेयर, CD प्लेयर लगाने के लिए। उसके साथ आप देखेंगे तो 7, 8 आपका 7, 8 आपका लाइन स्टीरियो, 9, 10 आपका लाइन स्टीरियो, और 11, 12 आपका RCA यहाँ पे मिलता है आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चैनल के फीचर्स आपको क्या क्या मिलते हैं एक चैनल में। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपको लिमिटर का एक बटन दिया गया है, ये है हमारा DBX का ब्रॉडबैंड लिमिटर, ये लिमिटर आपको इसमें मिला है। इस लिमिटर के थ्रू आपका फ़ायदा ये होगा कि जो भी आप इस इनपुट में सिग्नल देंगे, वोकल जो भी चलेगा, वो आपका अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा नॉइस आता है तो इसको प्रेस करने से ये होगा आपका वो लिमिट में कर देगा और आपको एक फ्रीक्वेंसी रेंज में रखेगा, उसके लिए लिमिटर का ऑप्शन आपको दिया है। नीचे उसके यहाँ हमें गेन का नॉब दिया है, गेन आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कैसा सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ देखेंगे आपको 100 Hz का हाई पास फिल्टर भी दिया है, अगर किसी सिंगर की वॉइस कभी कभी बहुत ज़्यादा भारी होती है तो हम इसको प्रेस कर देंगे सिंपल ऐसे, तो हमारी 100 Hz तक की जो फ्रीक्वेंसी है लो फ्रीक्वेंसी उसको ये कट कर देगा, जिससे आपको भारीपन नहीं आएगा उसके वोकल में। साथ में यहाँ है हमारे ये इक्वलाइजर सेक्शन है हमारा, ये हमारा HF है, HF हमारा जिस लेवल पे आपको सेट करना है आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सेट कीजिए। ये हमारा यहाँ पे दो नॉब दी गई है, एक वाइट और एक ब्लैक, इसको हम अपने मिड का हाई फ्रिक्वेंसी कहेंगे और ये हमारे मिड का लो फ्रिक्वेंसी होगा। ये हमारा दोस्तों सफायर असिमेट्रिक इक्वलाइजर है जो सिग्नेचर सीरीज के हर मॉडल में आपको मिलता है, ये हमारे पूरे चैनल का लो फ्रिक्वेंसी है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे तो हमें इस मिक्सर में 3 ऑक्स मिलते हैं, जिसमें से 2 ऑक्स आपके फ्री हैं, एक ऑक्स पे आप देखेंगे यहाँ इफेक्ट भी है, इसके अंदर जो इंटरनल इफेक्ट आपको मिलता है एक ऑक्स पे वो भी है। ये हमारा लेक्सिकॉन का इफेक्ट आपको मिलता है इस मिक्सर में, ये हमारा इफेक्ट का सेक्शन है, मैं अभी आपको ये चलाते हुए दिखाऊंगा।
तो आप चाहें तो 3 ऑक्स यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप 2 ऑक्स और 1 परफेक्ट अपना चला सकते हैं। यहाँ हमारा पैन का बटन है लेफ़्ट राइट सेंटर करने के लिए, नीचे हमारा ये म्यूट का बटन है, अगर हम इसको ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये लाइट यहाँ पर रेड कलर की शो करेगी जिससे हमारा ये पूरा चैनल म्यूट हो जाएगा, मास्टर में भी नहीं आएगा। अनम्यूट करने के लिए हमें सिंपल इसको ऐसे करना है। इधर देखेंगे आपको यहाँ हमें PFL का बटन दिया गया है। इस PFL के बटन का काम है प्रीपेड लिसन, जो हमारे हेडफोन में हमें इस चैनल का आउटपुट सुनना है पहले हमें मेन प्रोग्राम से, तो हम इसको प्रेस करेंगे उसके बाद हमारे हेडफोन में इस चैनल का प्रीपेड लिसन हम पहले से सुन सकते हैं, और नहीं सुनना तो आप इसको सिंपल ऐसे प्रेस कर दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा हमें मिलता है मास्टर का, हमें इस चैनल को अपने मास्टर पर लेके आना है तो उसके लिए हमें ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद हमारे इस मास्टर पे हमारा ये चैनल चला जाएगा, इस चैनल का आउटपुट चला जाएगा। इस मिक्सर में आपको 2 ग्रुप मिलते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, को चला के भी दिखाऊंगा। तो आपको ये चैनल अगर किसी ग्रुप पे लाना है ग्रुप 1 2 पे, तो आप सिंपल इसको प्रेस कर दीजिए, ये आपका चैनल ग्रुप 1 2 पे चला जाएगा। ये आपने एक ग्रुप 1 पे सिंगर्स को रख दिया और ग्रुप 2 पे आपने इंस्ट्रूमेंट्स को रख दिया। ये चैनल का फेडर है, आप इसको आसानी से अप एंड डाउन कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथ फेडर है इसका। तो दोस्तों ये फीचर्स हमें मिलते हैं आपके 8 चैनल तक, तो हमें असिमेट्रिक इक्वलाइज़र मिलता है, आपके 3 ऑक्स मिलते हैं, पैन मिलता है, सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन लिमिटर हमें सिर्फ 2 चैनल पे मिलता है। उसके साथ 5 और 6 पे हमें हाई जेड का भी ऑप्शन मिलता है, आप कोई गिटार लगाते हैं, कोई कीपैड लगाते हैं गिटार वगैरह के लिए, आपका ये हाई जेड काम आएगा, तो आप इन 2 चैनल पे 5-6 पे अपना गिटार भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं बता दूं 11-12 के नीचे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आपको USB इंटरफेस मिलेगा, ये USB इंटरफेस आपको इस मिक्सर की रिकॉर्डिंग के लिए काम आएगा। Ableton Lite सॉफ्टवेयर आता है साउंडक्राफ्ट का, उसके थ्रू आप बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे प्रीसेट्स भी मिलते हैं। उसको आप एक प्रिंटर केबल के थ्रू, प्रिंटर केबल लगेगी यहाँ पे, उसके थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपको ऑक्स एंड आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो आपको USB सेंड में 2 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको इसको मास्टर लेफ्ट राइट पे रखना है सारे मिक्सर का रिकॉर्डिंग को, तो आप इसको प्रेस मत कीजिए, एज इट इज़ रहने दीजिए। और अगर आपको ऑक्स 1 2 पे इसका रिकॉर्डिंग करना है, तो आप इसको सिंपल ऐसे प्रेस कर दीजिए, ऑक्स 1 2 आपका रिकॉर्ड होने लग जाएगा। तो याद रखिए 11-12 पे आपको सफ़ायर एसिमेट्रिक इक्वलाइज़र नहीं मिलता है, यहाँ आपको हाई मिड लो तीनों मिलते हैं, लेकिन सफ़ायर असिमेट्रिक इस टाइप का नहीं मिलता। नीचे सेम आपको 11-12 पे ऑक्स 1 2 3 के फीचर्स भी दिए हैं, पैन भी दिया है, म्यूट का ऑप्शन भी दिया है, म्यूट आपका PFL ग्रुप 1 2 मास्टर आपको हर चैनल पे दिया है, आप देखेंगे दोस्तों। अब हम आते हैं आउटपुट सेक्शन में, तो आउटपुट सेक्शन हमारा ये है, यहाँ हमें एक ऑक्स 1 2 3 तीन आउटपुट ऑक्स के मिलते हैं, उसके साथ हमें यहाँ हेडफोन का आउट मिलता है हेडफोन लगाने के लिए, साथ में हमें फुट स्विच का आउट मिलता है जिससे आप आसानी से एक पैडल पे आप पूरे मिक्सर का FX म्यूट कर सके, तो उसके लिए फुट स्विच का म्यूट का भी लाइन आउट मिलता है। साथ में हमें यहाँ पे मास्टर लेफ्ट राइट XLR में मिलते हैं, उसके नीचे हमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हमें यहाँ पे मिलते हैं लाइन आउट, यहाँ हमारा मॉडल नंबर लिखा है। अब हम नीचे चलते हैं दोस्तों, इधर आप देखेंगे तो ये फैंटम पावर है, इसको जस्ट हमने ऐसे पुश किया, लाइट ब्लिंक हो जाएगी रेड कलर की, उसके बाद आपके पूरे मिक्सर के चैनल पे 48 वोल्ट का फैंटम पावर आ जाएगा, जिससे आप इसमें कंडेंसर माइक भी लगा सकते हैं। उसके बगल में देखेंगे तो हमें यहाँ एक USB पावर का ऑप्शन दिया है, जिससे आप अपने मिक्सर पर कोई लाइटिंग दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप लाइटिंग लगा सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे तो हमें सेटिंग्स मिलती है रिवर्ब की, आप देखिए रूम प्लेट, रूम मोड, प्लेट मोड, इस टाइप के आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिलती है रिवर्ब में, और डिले में आपको डिले 2 सेकंड, डिले मोड, टेप, लोफाई, स्टूडियो कोरस, इस टाइप के आपको सेटिंग्स मिलती है। हमारी सेटिंग्स जो है जिस पे भी हमें चलाना है, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं दोस्तों इस तरीके से। मैं आपको अभी चला के भी दिखा देता हूँ साथ के साथ, जैसे मैंने रिवर्ब को यहाँ से इस नॉब से मैंने घुमाया रिवर्ब को, और हमें उसके बाद इसको जस्ट इस तरीके से पुश करना है। अब आप देखिए मैंने यहाँ से इफ़ेक्ट को बढ़ाया मेरा, हेलो हेलो, अभी इफ़ेक्ट नहीं चल रहा है दोस्तों, इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने इफ़ेक्ट का मास्टर ऑन नहीं किया, ये हमारे इफ़ेक्ट का मास्टर है, मैंने यहाँ से इफ़ेक्ट का मास्टर ऑन किया, उसके बाद मैं इसको मास्टर पे लेकर आया। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, हेलो 1 2 3 चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, तो आपने देखा। अब मैं इसको डिले 2 सेकंड पे लेके आता हूँ, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रेस कर देना। अब देखिए आप, हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो 1 2 3, हेलो 1 2 3, जय श्री राम, जय श्री राम, तो आपने देखा कितना आसानी से काम आता है। ये पैरामीटर्स हैं, मैं भी आपको पैरामीटर्स इसके सेट करता हूँ,
तो आप देखिए कितना बढ़िया चलेगा ये। मैंने दोस्तों यहाँ से पैरामीटर सेट किया इसका, थोड़ा और डीप गया मैं, उसके बाद मैंने देखिए हेलो हेलो और स्लो हो गया हमारा, देखा आपने हेलो हेलो। मैं कम करता हूँ, ठीक है हेलो हेलो, फास्ट हो गया हमारा इफेक्ट। हेलो हेलो हेलो, वन टू थ्री चेक, हेलो चेक। अब दोस्तों मैं दूसरा मोड लगाता हूँ, देखिए आप, लो फाई लगाया मैंने, हेलो 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 चेक, हेलो चेक। मैं पैरामीटर बढ़ाता हूँ, हेलो 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 चेक, हेलो चेक चेक। दोस्तों आपने देखा इसका इफ़ेक्ट प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है। यहाँ से मेरा इफ़ेक्ट का ये चैनल पे, हर चैनल पे इफ़ेक्ट 3 जो है आपका ऑक्स 3, और इफ़ेक्ट ये इसका नॉब है, इसके थ्रू आप इसका यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये हर चैनल पे आपको मिलता है, देखिए आप। अब मैं लेके चलता हूँ इसके ऑक्स के आउटपुट्स पे, मैंने इनपुट डाल रखा है। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ कैसे चलता है ये, आप ध्यान से देखना दोस्तों इस वीडियो को, इतना आसान है इसको चलाना। आप देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं ये हमारे ऑक्स के मास्टर हैं। आप देखेंगे जितना भी हमारे इस मिक्सर में जितना भी है ये ऑक्स, आप देखिए ये सारा हर चैनल पे जो ऑक्स इनपुट, ऑक्स 1 2 आपको दे रखा है और 3 भी दे रखा है, उन ऑक्स 1 2 3 का पूरे मिक्सर का मास्टर ये है। ये तीनों मास्टर हैं, इनकी सेटिंग्स कैसे होती है मैं ये बताऊँगा, और ये कौन से ऑक्स हैं ये भी मैं बताता हूँ आपको। ध्यान से देखिएगा आप, इसको बहुत काम आएगा आपको ये वीडियो। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, मैंने ऑक्स 1 और ऑक्स 2 दोनों पे मैंने इनपुट्स दिए हैं। यहाँ पे मैंने 11-12 नंबर पे RCA लगाया है। अब मैं RCA के थ्रू म्यूज़िक चलाता हूँ एक, आप देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे फेडर 11-12 का चला रहा हूँ, काम नहीं कर रहा है। आप देखिए, ये मैं बता दूँ क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऑक्स को प्री पे डाल रखा है। अब मैं बताता हूँ प्री कहाँ पे, ये हमारा यहाँ देखेंगे आप ऑक्स 1 और 2 का प्री और पोस्ट का ऑप्शन है, ये अभी प्री पे है। अब मैं इसको पोस्ट करता हूँ प्रेस करके, अब देखिए पोस्ट हो गया। अब यहाँ से देखिए हमारा ऑक्स 1 2 कुछ काम नहीं कर रहा है, आप देखिए। अब यहाँ से मैं बढ़ाऊँगा, ये देखिए आप, तो ये हमारा प्री और पोस्ट ऑक्स 1 और 2 पे 11-12 नंबर पे स्पेशल दिया गया ये ऑप्शन आपको, देखिए। अब मैं इसको फिर से यहाँ से प्री पे करता हूँ, देखिए अब हमारा ये काम नहीं कर रहा है फेडर इसका 11-12 नंबर का। अब मैं यहाँ से इसको चलाता हूँ, देखिए हमारा ये नॉब से काम करेगा चैनल के, हमारे चैनल से काम करेगा। ये देखिए ऑक्स 1 पे लगाया मैंने, ऑक्स 1 पे काम करेगा, देखिए क्योंकि ये प्री पे है तो हमारा ये नॉब के थ्रू काम होगा, ये 11-12 नंबर का है, देखिए आप। इसको पोस्ट पे करता हूँ तो आप देखेंगे जैसे जैसे, देखिए ये मेरा पोस्ट फेडर हो गया, ये आप देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी दी गई है, ये है आपका ऑक्स 1 प्री पोस्ट। तो इसको ऑन करने से क्या होगा, देखिए मैं बताता हूँ। मैंने इसको प्रेस किया, अब ये हमारा पोस्ट पे चला गया। जैसे ही मैंने यहाँ से फेडर बढ़ाया, पोस्ट फेडर हो गया हमारा ये, इस तरीके से हमारा काम करता है ये। और जैसे ही मैंने यहाँ से इसको एज इट इज़ कर दिया प्री पे, तो हमारा ये काम नहीं करेगा। बगल में आप देखेंगे तो ये AFL है, आपको ऑक्स 1, ऑक्स 2, ऑक्स 3 पे जो भी आपने इनपुट्स दिए हैं आप इसको प्रेस कर दीजिए, यहाँ लाइट शो कर देगी AFL की, उसके बाद आप आफ्टर फेड लिसन कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आपके ये तीनों ऑक्स जो हैं आपके इन ऑक्स के चैनल के मास्टर हैं। दोस्तों बगल में आप देखेंगे तो ऑक्स 1 और 2 आपको दो और दिए गए हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ थोड़ा। दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूँ इन दोनों का क्या काम है। ये दोनों हमारे इफेक्ट के मास्टर है, अगर हमने ऑक्स 1 ऑक्स 2 मॉनिटर पे अपने इफेक्ट देना है तो हमारा इफेक्ट का मास्टर ये होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम आता है। मैंने माइक लगा रखा है, आपको वॉइस में पता चल रहा होगा। यहाँ देखिए ऑक्स 2 का मैंने नॉब भी बढ़ा रखा है, मैं इफेक्ट लगाता हूँ इस पर, बहुत ईजी है दोस्तों। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, अब देखिए हेलो हेलो हेलो, आप देख रहे होंगे दोस्तों आपको वॉइस आ रही होगी इको की। डिले 2 सेकंड पे लगा रखा है यहाँ मैंने, हेलो हेलो, 1 2 3 चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो। अब मैं इसको जो है डिले मोड पे करता हूँ, हेलो। तो ये हमारा ऑक्स 1 ऑक्स 2 पे हमने अपना मॉनिटर जो लगा रखा है उसका इफेक्ट का मास्टर है ये।
आप इसके थ्रू इफेक्ट का मास्टर कर सकते हैं। ये तीन हमारे ऑक्स 1, 2, 3 जो तीन ऑक्स आपको मिलते हैं इस मिक्सर में, उस पूरे मिक्सर के ऑक्स का मास्टर है ये तीनों। यहाँ प्री पोस्ट आप जिस तरीके से करना चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ AFL के लिए है, आफ्टर फेड लिसन, प्री फेड लिसन, जिस तरीके से करना चाहे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ ग्रुप पे इसको कैसे चलाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, जैसे ग्रुप 1 पे मैंने लगाया इसको। अब आपको मैं दिखाता हूँ ग्रुप पे कैसे हम चैनल सिलेक्ट करके काम करते हैं। और यहाँ मैं नीचे आपको दिखा दूँ, ये हमारे ग्रुप 1, 2 के मास्टर हैं। इधर आपको एक ऑप्शन मिलता है मोनो पे, अगर आपको चलाने हैं दोनों तो आप इसको सिंपल प्रेस कर दीजिए, मोनो पे हो जाएंगे। अगर आपको दोनों पे मास्टर पे लेके जाना है तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, आपका मास्टर पे भी चला जाएगा और यहाँ पे भी रहेगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ इंटरवल म्यूट का एक ऑप्शन दिया है, इसको ऑन करने से आपका 11 और 12 नंबर छोड़ के बाकी इस मिक्सर में जितने भी सिग्नल आएंगे वो सबको म्यूट कर देगा ये, प्रेस करने से फिर से आपका चालू हो जाएगा। जैसे मैं आपको ग्रुप का दिखा देता हूँ एक बार, तो आप देखिए मैंने ये चैनल 1 लगा रखा है। अब मैं इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, मैं मास्टर से हटा के ग्रुप 1, 2 पे लाया मैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने ग्रुप 1 पे लगा रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रुप 2 है इधर, इधर ग्रुप 1 पे मैंने लगा रखा है। ग्रुप 1 का फेडर ऑन किया मैंने, हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, आप देखें मैंने हटा दिया। इसी तरीके से आप अपने ग्रुप 1, 2 कर सकते हैं। ग्रुप 1 पे आप वोकल रख सकते हैं, ग्रुप 2 पे आप इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको, बहुत इजी है। तो दोस्तों ये था हमारा साउंडक्राफ्ट का सिग्नेचर 12 मिक्सर। हर टाइप के फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा ये मिक्सर यूज़ करने में। बहुत लोग यूज़ भी कर रहे हैं, काफ़ी डिमांड में है ये। और आपको बहुत ही कम रेंज में विद इन 30,000 ये मिक्सर आपको मिल जाता है, ऐसी फैसिलिटी के साथ, ऐसे फीचर्स के साथ। बहुत मुश्किल है आजकल मिलना। और 3 साल की वारंटी साउंडक्राफ्ट आपको इस पे देता है, और उसके बाद आप इसको 2 साल तक और एक्सटेंड करवा सकते हैं, कुछ चार्जेबल बेसिस होता है वो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ। तो धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। कोरोना आ चुका है और कोरोना धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है, तो थोड़ा कंट्रोल रखिए, वरना हमारी ऑडियो इंडस्ट्री सबसे पहले गिरती है इस कोरोना की वजह से। धन्यवाद, नमस्कार, अगले वीडियो मिलते हैं आपको।